अगले सवाल पर आते हैं जो कि काइनेमेटिक्स का सवाल है. इसमें बताया गया अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ इट्स कोऑर्डिनेट्स विथ द टाइम टी गिवन बाय एक्स एज फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 10 प्लस 8 टी माइनस 3t स्क्वायर. अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस विथ इट्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय y as function of time is 5 minus 8 t cube. At t is equal to 1 second, the speed of the second particle as measured in the frame of the first particle is given as root v, then find v. तो एक particle जो है वो x direction में जा रहा है इधर है ना, और इसका position दिया गया है 10 plus 8 t minus 3t स्क्वायर. दूसरा पार्टिकल है जो कि y डायरेक्शन में जा रहा है, इसका पोजीशन दिया गया है 5 माइनस 8 टी क्यूब. ठीक, तो पहले क्या करते हैं इनकी वेलोसिटी निकालते हैं. इसकी वेलोसिटी निकालेंगे x डायरेक्शन में आएगा जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको है ना टाइम के रेस्पेक्ट में. तो 10 का तो हो जाएगा 0, यह आएगा 8 माइनस 60. उसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आएगी, यह आएगा 5 का हो जाएगा 0 माइनस 8 इंटू 3 24 टी स्क्वायर है ना. तो इसकी जो वेलोसिटी है पहले वाले पार्टिकल की, इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो लिख सकते हैं 8 माइनस 60 आई कैप. और इसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल टू की, ये वाई डायरेक्शन में, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 24 टी स्क्वायर जे कैप है ना. तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन, इसका मैग्नीट्यूड हमें पहले पता करना है. ठीक, तो वी टू माइनस वी वन जो है वो कितना आएगा, ये है माइनस 24 ये टी स्क्वायर है टी स्क्वायर जे कैप माइनस ये आएगा 8 आई कैप प्लस 6 टी आई कैप, ये आएगा. इसका मॉड लेना है. अब ये जो भी स्पीड पूछा गया है, रिलेटिव स्पीड पूछा गया है, वो पूछा गया है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो इसमें टी का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं है ना. तो 1 रखने से ये आएगा माइनस 24 जे कैप. इसमें t का वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस 8 प्लस 6 यानी कि माइनस 2 आई कैप, ये आएगा. इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो आएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 580 है ना. तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड. ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया गया है कि ये रूट वी है. तो अगर इसको मैं रूट वी के इक्वल करता हूं तो वी का वैल्यू कितना आएगा, 580. रूट वी का जो वैल्यू आएगा वो 580 है, तो वी का वैल्यू हो गया 580. ठीक, जबकि एनटीए का आंसर है वो कुछ अलग आया है ना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है 580.